ओके भाइयों, तो समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड। मुझे पता था कि विंस मैकमैन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, बट मुझे पता नहीं था कि उसका ट्रेलर आ चुका है एंड आई हैवेंट सीन इट। तो एक बार इसको भी चेकआउट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। 2 हफ्ते पहले आ गया भाई। ओके, सो रिएक्ट करते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। People have wondered who I really am. You know, the portrayal of me, I'm a bad guy. But no one really knows me. In the world of professional wrestling, Vince McMahon, he's easy to hate. Oh, they're bringing what you in expect. The big I don't play fair. That's exactly what you're gonna get. It's not my fault that I happen to be a self-made billionaire. Oh my. Hello, everyone. Welcome to All American Wrestling. When I bought my dad's business, my vision was to make this mainstream. Welcome to WrestleMania. Vince created this huge empire, billion-dollar entertainment juggernaut. He did things that no one thought were possible. Everything he did turned to gold. There were so many scandals going on. On trial for steroids. 90% of the wrestlers are on steroids. Another dead wrestler. Oh, just rocked the very foundation of the WWE. I would accept no responsibility whatsoever. None whatsoever. They live this lifestyle. Breaking news, Vince McMahon is stepping aside. The lawsuit accusing him of countless depraved and humiliating acts. I didn't think the lawsuit could shock me, and I was floored. Comes to Vince, a lot of that is a character. I remember this one. He's going to show you what he wants you to see. Oh, ye bhi yaad hai. The lines of reality are very blurred in our business. The individual loses all sense of who they really are. I also My remember. Name ye bhi is not Vince. My name is Mr. McMahon. नाइस nice. मैं भाई ये तो मैं देख रहा हूं डे वन। ओके, सो एज फार एज डॉक्यूमेंट्रीज गो, हमको पता है कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का कितना बेहतरीन काम करता है। मतलब दे हैव पुट डॉक्यूमेंट्रीज इन द स्पॉट। लाइक डॉक्यूमेंट्रीज आर कूल वंस अगेन बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स। और WWE की मिस्टर मैकमैन पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये लोग, हाँ लोग आएंगे बातचीत करेंगे, बट ऑनेस्टली आई थॉट कि सिर्फ करंट रोस्टर होगा। मुझे नहीं पता था कि लोग रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टोन कोल्ड को तो क्या ला भी सकते हैं, बट रॉक और भी बड़े बड़े लोगों को लेके आए। ब्रेट हिटमैन हार्ट भाई, उनका मतलब ब्रेट हिट, उस ब्रेट हार्ट का और विंस मैकमैन हैज गॉट अ पास्ट, अ वेरी डेंजरस पास्ट। क्या नाम था उसका, दे कॉल इट आई थिंक मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब, जिसमें शॉन माइकल्स, ब्रेट हिटमैन हार्ट और विंस मैकमैन इन्वॉल्व थे काफ़ी बुरी तरह से, एंड दे हैव सम बैड ब्लड भाई। और अगर वो आ रहा है बोलने के लिए, एंड इफ़ यू नो हिम, वो ही डजेंट होल्ड बैक, तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप दे ब्रिंग इन CM Punk टू, बिकॉज उनकी भी काफ़ी खतरनाक रही है, और सिंस CM Punk इज़ बैक इन WWE तो आई थिंक वापस काफ़ी कुछ हो सकता है। और अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, तो विंसेंट कैनेडी मैकमैन आई थिंक ही नाम है उसका, या फिर विंस मिस्टर मैकमैन एज दे कॉल हिम, तो ही हैज़ बिन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल थ्रू आउट बिकॉज ऑफ हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर जो वो WWE में प्ले करते थे, बट एक्चुअल रियल लाइफ में भी वो उसके काफ़ी क्लोज ही थे। बट अभी रिसेंटली, और मतलब मल्टीपल टाइम्स रिटायर होने के बाद, ही केम बैक, ही वॉज नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ द कंपनी दैट ही क्रिएटेड या द एम्पायर दैट ही बिल्ट। तो इस वजह से अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी बड़ा स्कैंडल निकल के आया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो इस डॉक्यूमेंट्री में आई थिंक एड्रेस करी जाएंगी। और उसके बाद से नॉट ट्रिपल एच जो हमारे हंटर भाई साहब हैं, वो पॉल लेविक, तो वो जो है वो पूरा कमांड संभाले हुए हैं, और ये नया एरा है WWE का जिसमें सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया चल रही हैं सो फार। बट आई एम एक्साइटेड टू सी दिस वन। ये 25 को आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको भाई। बाकी तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक?